नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप अपने घरों में अच्छे से पढ़ रहे होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम बात करने वाले हैं आपके कक्षा 8 के पाठ 12 के बारे में, जिसका नाम है घर्षण। घर्षण आपने देखा होगा, जब हम चलते हैं, चलते चलते अगर हमारा पांव कहीं ऐसी जगह पर पड़ गया, जैसे तेल पड़ा हुआ है कहीं पर, तेल के ऊपर पड़ गया, केले के छिलके के ऊपर पड़ गया, या फिर फर्श के ऊपर हम चल रहे हैं, तो कई बार क्या होता है, हम फिसल कर गिर जाते हैं। अब फिसल कर गिर जाते हैं, ये क्यों होता है? क्योंकि वहां पर क्या होता है, जो जमीन का जो बल है, जो हमें रोके हुए रखता है, जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ कि आपको फर्श के ऊपर भागना है और आपको सड़क के ऊपर भागना है, तो आप किसके ऊपर जल्दी तेज जितनी तेज भाग पाएंगे और आसानी से भाग पाएंगे? सड़क के ऊपर। कि फर्श के ऊपर आपको क्या रहता है, फिसलने का डर रहता है। अब ये सारी जो चीजें हैं जो भागने में आपको मदद कर रहा है, वहां पर एक फोर्स है जो जमीन के साथ आपको जोड़े हुए है। हमारे पहिए चलते हैं, हम गाड़ियां चलती हैं, और जो भी चीजें चलती हैं वो सब चीजें, और जो चीजें रुकती हैं, गाड़ियां रुकती हैं हमारी, हमारे जो मैंने बॉल लुढ़का दी, बॉल लुढ़क लुढ़क के थोड़ी देर में क्या करेगी, जमीन के ऊपर थोड़ी दूर तक चलेगी, लेकिन फिर वो रुक जाएगी। तो ये सब चीजें होती हैं क्योंकि एक वहां पर एक फोर्स, एक बल काम करता है। जैसे चुंबकीय बल होता है, बिजली का विद्युतीय बल होता है, और गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उसी प्रकार एक बल होता है घर्षण बल। तो घर्षण बल वो सारे काम करता है चीजों को चलाने में, सतहों पर, सतह एक फर्श एक सतह है, जमीन एक सतह है, और जो भी चीजें हैं, जहां पर भी आप टेबल के ऊपर किसी चीज को लुढ़काना चाहते हैं, तो वहां पर एक फोर्स काम करता है, वो होता है घर्षण बल। सिंपली के घर्षण जो बल हमें चलने में सहायता देता है जमीन के ऊपर, या फिर रुकने में सहायता देता है, और दो सतहों के बीच में लगता है हमेशा। घर्षण बल हमेशा क्या होता है कि दो सतह होंगी तभी लगे, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पर और चांद और धरती के बीच में है, सूरज और धरती के बीच में है, या फिर दूसरे ग्रहों के और सूरज के बीच में भी है। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो कहाँ पे लगता है, उसके लिए जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट जो है, जो वस्तुएं हैं वो आपस में जिनका संपर्क हो, बट अगर हम इसकी बात करें घर्षण बल की, तो उसमें क्या होता है, सतहों का संपर्क जरूरी होता है। तो अब उसमें देख लेते हैं थोड़ा सा कि घर्षण बल कैसे कैसे काम करते हैं। मैं यहाँ पर चौक चला रहा हूँ, मैं कुछ लिख रहा हूँ, तो हुआ क्या, इसने, मैंने क्या किया, इसको इसके ऊपर घिसा, और घिसने के कारण जो क्या हुआ, इसके ऊपर आया, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, घर्षण बल काम किया। तो सिंपली आप हर रोज के उदाहरणों से ऐसे देख सकते हैं घर्षण बल कहाँ कहाँ पे काम आता है। हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, जमीन पे चलते हैं, हमारी गाड़ियां चलती हैं, या फिर हम गेंद को लुढ़काते हैं फर्श के ऊपर, उन सब चीजों में और चीजों में रुकती हैं, क्योंकि जब हम चलते हैं, हमारी बाइक अगर चल रही है, तो जब हम ब्रेक मारेंगे तो क्या होगा, घर्षण बल ज्यादा हो जाएगा किसके बीच में, जमीन के और टायरों के बीच में, तो उससे क्या होगा, वो घर्षण बल क्या करेगा, वो उसको रोक देगा। और एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर हमने, हमारी बाइक है, एक बात हमेशा याद रखिए कि जो बल होता है, घर्षण बल होता है, वो हमेशा जो गतिशील वस्तु होते हैं उसके दूसरे डायरेक्शन लगता है, उसके विपरीत डायरेक्शन लगता है। अगर हम इस तरफ चल रहे हैं, अगर सपोज कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप इस तरफ चल रहे हैं, इस तरफ चल रहे हैं, तो घर्षण बल इस तरफ लगेगा आपके। इस चीज को ध्यान रखिए, घर्षण बल हमेशा वस्तु की गति के विपरीत दिशा में लगता है। तो अब थोड़ा सा बात करते हैं घर्षण बल के बारे में, आपको अच्छा समझ में आ गया कि क्यों होता है, कैसे होता है। अब जैसे आप फिसलते हो, जब जैसा कि हमने बात की थी आपको कि आप फर्श के ऊपर फिसलते हो चलते टाइम, और उसके और हमारे जो पांव हैं उनके बीच में क्या होता है, उनके बीच में जो घर्षण बल होता है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। केले के छिलके में पांव रखने से हम फिसल जाते हैं, क्योंकि वहां पर ज्यादा चिकनाहट होती है, और उससे क्या हो जाता है, घर्षण बल कम हो जाता है। तो इसके बारे में आगे और ज्यादा विस्तार पूर्वक बात करेंगे कि कम करना घर्षण बल को और ज्यादा करने के बारे में।